लाइफ हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव गुप्ता ने बताया कि प्रदूषण की वजह से अस्थमा की बीमारी का ज्यादा डर रहता है। लोगों को ज्यादा व स्वच्छ पानी पीना चाहिए। हमारे संवाददाता विनोद वैष्णव ने कार्यक्रम बेहतर चिकित्सा कैसे हो शहर की कार्यक्रम के तहत पहुंचे। जब उन्होंने लाइफ हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव गुप्ता से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि प्रदूषण की वजह से अस्थमा की बीमारी से बचने के लिए सबसे ज्यादा डस्ट से दूर रहना चाहिए और अनुभवी और डिग्री होल्डर से ही इलाज करवाना चाहिए। जो हॉस्पिटल में एडमिट हो आप, तो आपको सर्विस कैसी लगी है कि और इलाज? क्या नाम है सर आपका? मेरे भाई मोहन श्याम। तो कौन एडमिट है आपके यहाँ पे? मेरे भाई मोहन श्याम। अच्छा, तो यहाँ की सर्विस कैसी है और इलाज कैसा है? इलाज भी अच्छा है। मेरा नाम डॉक्टर राजीव गुप्ता है, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, लाइफ हॉस्पिटल में हम काम करते हैं। ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब, गर्मियों का मौसम है और अक्सर हैजा जैसी बीमारियां फैलती हैं, डायरिया जैसी बीमारी फैलती है और फरीदाबाद जैसे शहर में अस्थमा जैसी बीमारियां फैलती हैं, क्या वजह है, किस तरीके से लक्षण इनके दिखते हैं? जब भी हम लोग गर्मियों में किसी तरह से गंदा पानी पी जाते हैं, सफाई नहीं रखते हैं, हाथ की सफाई नहीं होती है, तो हैजा जैसी और भी बीमारियाँ शरीर में पैदा हो जाती है। ये खतरनाक बीमारियाँ होती हैं, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे पानी साफ पीना चाहिए, अगर पानी ज़्यादा गंदा है तो उबला हुआ होना चाहिए। सेकेंड, हाथों को साफ रखना चाहिए, खाना साफ होना चाहिए, खाने पर मक्खियाँ नहीं बैठें, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। डॉक्टर साहब, लक्षण किस तरीके से, ये तो आपने उपाय बता दिए प्राथमिक तौर पर, लक्षण किस तरीके से पता चलेगा ये हैजा है और प्राथमिक तौर पर घर पे क्या उपचार किया जा सकता है? लक्षण डिहाइड्रेशन होता है, शरीर में पानी की कमी होने लग जाती है, मरीज को दस्त लगना स्टार्ट हो जाते हैं, उल्टी आना स्टार्ट हो जाती हैं, धीरे धीरे करके उसको पीलिया होना स्टार्ट हो जाता है, ये इसके शुरुआती लक्षण होते हैं। तो घर पर प्राथमिक उपचार कैसे किया जा सकता है? जब भी इस तरह का कोई मरीज को या उसके रिश्तेदारों को शक हो कि हैजा जैसी कोई बीमारी हो रही है या बार बार डायरिया हो रहा है, तो पानी का सेवन पूरी तरह से करें, पानी ज़्यादा पिएं, ORS को साथ में लेते रहें और घर के नज़दीक जो भी डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, उनके टच में रहें। डॉक्टर साहब, अगर लाइफ हॉस्पिटल में कोई मरीज आना चाहे तो किस तरीके से आ सकता है? क्या कोई आपका कस्टमर केयर नंबर है या कोई एम्बुलेंस सर्विस वगैरह कुछ है उपलब्ध आपके यहाँ पर? लाइफ हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहाँ सस्ती दरों पर बहुत अच्छा इलाज हम उपलब्ध कराते हैं। आसपास के लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे पास 24 आवर्स के लिए एम्बुलेंस फैसिलिटी अवेलेबल है और वो इसका लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक अंत में एक सवाल और, पहले डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता था, अब कहीं ना कहीं डॉक्टर रक्षक की जगह भक्षक बनता जा रहा है, इस पर आप कहाँ तक सहमत हैं? इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है, अखबार जिम्मेदार है, उन्होंने मरीज और डॉक्टरों के बीच में ट्रस्ट खत्म कर दिया है। मरीज ये सोचते हैं कि डॉक्टर सही नहीं है और डॉक्टर आजकल ये सोचते हैं कि मरीज सही नहीं है, इसलिए मरीजों को आजकल सही उपचार शायद कुछ जगह पर नहीं मिल पाता, क्योंकि इलाज करने में डॉक्टर घबराते हैं और उनका संतुलन सही नहीं रहता इलाज करने के लिए।